हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप कोटक बैंक का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोटक बैंक का रुपे लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे बनाएं। दोस्तों, रुपे क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए आप कोटक बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर फ़ोनपे है उससे ट्रांजेक्शन करते हैं तो फ़ोनपे के रिवार्ड सेक्शन में देखिए आपके पास बहुत सारा ऑफर आता है जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास कोटक बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए ऑफर आया हुआ है, कोटक बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो बनाने के लिए ऑफर आया हुआ है। तो आप कोटक बैंक का क्रेडिट कार्ड बनाना चाहते हैं तो उस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, आपके सामने जो क्रेडिट जो ऑफर है क्रेडिट कार्ड बनाने का, वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। उसके ऑफर की डिटेल को चेक करने के लिए आपको ऑफर डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे जो ऑफर की डिटेल्स है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अगर आप जो है 150 रुपीज़ अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको 8 रिवार्ड पॉइंट मिलता है, और यहाँ पे आपको 0 ज्वाइनिंग फी और 0 एनुअल फीस है। तो इसको आप बनाने के लिए अवेल नाउ पे क्लिक करेंगे। अवेल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है कोटक बैंक की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हम कोटक बैंक की वेबसाइट पे आ चुके हैं, ये खुल रहा है। अभी आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 0 ज्वाइनिंग फी 0 एनुअल फी, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह से गेट बनाने के लिए गेट नाउ पे क्लिक करना है। अभी देखिए, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, जो आपका मोबाइल नंबर है उसको एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंसेंट देंगे, अपना टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। फिर गेट ओटीपी के बटन है, गेट ओटीपी के बटन पर आपको क्लिक कर देना है अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए। अब देखिए, आपका मोबाइल नंबर जो एंटर किया उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ ओटीपी बॉक्स में एंटर करना है वेरीफाई करने के लिए। ओटीपी भी जैसे ही एंटर करेंगे और वेरीफाई के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई हो जाएगा। देखिए, प्रोसेस में है वेरीफाई के। अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स एंटर करना है, जैसे कि पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ जो है, आपका ईमेल आईडी एंटर करना है, जेंडर चूज़ करना है, फिर प्रोसीड के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपका जो क्रेडिट कार्ड में नाम आएगा वो यहाँ पे पूछा जाएगा एंटर करने के लिए। तो आपको जो भी नाम अपने क्रेडिट कार्ड पे चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है, और आपका जो अदर पर्सनल डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, जैसे कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, आप मैरिड है कि नहीं वो एंटर करके फिर प्रोफिट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे आपके अपने काम के बारे में आपको बताना है, आप सैलरीड हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है उसको फिट करेंगे। आपका इनकम कितना है वो सेलेक्ट करना है, और अगर आप जो आपकी कंपनी है जिससे, अगर मान लो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या वो फिर हैं, तो उसको आपको यस और नो पे क्लिक करना है। तो जैसे कि हमारे केस में नो है तो हम नो पे क्लिक करते हैं। फिर कंफर्म का बटन है, आपको कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए, ये प्रोसेस में है। अभी यहाँ पे प्रोवाइड योर करेंट रेजिडेंस एड्रेस, आपको अपना जो रेजिडेंस एड्रेस है करेंट उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। एड्रेस को एंटर करने के बाद जो है आपको फिर नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नेक्स्ट का बटन पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस में हो जाएगा जो आपका नेक्स्ट स्टेप है उसको उसके लिए। तो देखिए, आपका एड्रेस वगैरह सब सबमिट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे केवाईसी को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए आपके पास कंप्लीट केवाईसी का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, प्रोसेस में है ये, आपको थोड़ा सा वेट करना है। अभी देखिए, अगर आपका लोकेशन एक्सेस नहीं है तो आपको यहाँ पे अलाउ करना है। लोकेशन को एक्सेस करने के लिए तो आपको अलाउ के बटन पे क्लिक करना है। अगर ब्लॉक पे करेंगे तो ये फिर आगे प्रोसेस नहीं होगा, तो अलाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंसेंट वगैरह देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है पहले कंसेंट देने के लिए। तो आपका जो आधार नंबर है उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद एग्री का बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को जो है यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर कंटिन्यू का बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने यहाँ वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कहा जाएगा। तो आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यस बिगिन वीडियो केवाईसी कॉल। तो आपको इस पर क्लिक करके अपना वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको अपना पैन कार्ड अपने हाथ में लेना है, और जो एजेंट होगा कोटक बैंक का वो उसको वेरीफाई करेगा। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए, आपके सामने जो है वीडियो केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कोटक बैंक का एजेंट होगा, जो अवेलेबल होगा, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट किया जा रहा है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। अपना माइक्रोफोन और कैमरा का एक्सेस यहाँ पे आपको देना है, तो अलाउ के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जो भी एजेंट अवेलेबल होगा, देखिए उससे आपकी वीडियो कॉलिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड जो फ्रंट साइड है और बैक साइड है आपको दिखाना है उसको वेरीफाई करवाने के लिए। और जैसे ही उसको वेरीफाई किया जाएगा सक्सेसफुली, तो देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और आपका क्रेडिट कार्ड जो है कुछ ही दिनों के अंदर आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।